संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 और 2019 के बीच भारत की आबादी 1.2 की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 1.36 अरब हो गई है। यह वृद्धि दर चीन की वार्षिक वृद्धि दर के मुकाबले दुगनी से ज्यादा है। 2019 में भारत की जनसंख्या 1.36 अरब पहुंच गई है, यानी 1.36 अरब हो गई है, जो 1994 में 94.22 करोड़ और 1969 में 54.15 करोड़ थी। विश्व की जनसंख्या 2019 में बढ़कर 771.5 करोड़ हो गई है, जो पिछले साल 763.3 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 और 2019 के बीच भारत की जनसंख्या औसतन 1.2% बढ़ी है। इसकी तुलना में 2019 में चीन की आबादी 1.42 अरब पहुंच गई है, जो 1994 में 1.23 अरब और 1969 में 80.36 करोड़ थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1969 में प्रति महिला कुल प्रजनन दर 5.6 थी, जो 1994 में 3.7 रह गई है। भारत ने जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में सुधार दर्ज किया है। 1969 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 47 वर्ष थी, जो 1994 में 60 वर्ष और 2019 में 69 वर्ष हो गई है। विश्व की औसत जीवन प्रत्याशा दर 72 साल है। रिपोर्ट में 2019 में भारत की जनसंख्या के विवरण का एक ग्राफ दिया गया है। इसमें कहा गया है कि देश की 27% आबादी 0 से 14 वर्ष और 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में है, जबकि देश की 67% जनसंख्या 15 से 64 आयु वर्ग की है। देश की 6% आबादी 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की है। भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के संकेत देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मातृ मृत्यु दर 1994 में प्रति 1,00,000 जन्मों में 448 मौतों से घटकर 2015 में प्रति 1,00,000 जन्मों में 174 मृत्यु तक आ गई। संख्याओं में निरूपित जनसंख्या के इन आंकड़ों की प्रत्येक इकाई एक व्यक्ति है।